कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए थे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बचाने, लेकिन खुद ही फंस गए। ऐसे फंसे कि उन्हें कोर्ट ने जुर्माना तक लगा दिया। यह हर्जाना सिब्बल पर इसलिए लगाया गया कि वे अब्दुल्ला आजम के मामले में पेश ही नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि यह रकम सिब्बल चुकाएंगे या अब्दुल्ला के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यह उन्हें तय करना है। इससे पहले 16 सितंबर को कोर्ट ने वकीलों के पेश न होने के चलते अब्दुल्ला की अपील खारिज कर दी थी। अब इस हर्जाने के साथ अपील को दोबारा बहाल कर दिया गया है। असल में अब्दुल्ला ने यूपी की स्वार्व विधानसभा सीट से अपना निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 25 साल से कम उम्र में चुनाव लड़ने के चलते अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द किया था। उम्र से जुड़े दस्तावेजों की हेरा फेरी के मामले में अब्दुल्ला फिलहाल जेल में है। 16 सितंबर को जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अब्दुल्ला की अपील को अंतिम सुनवाई के लिए लगाया था। जज काफी देर तक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन न तो अपीलकर्ता की तरफ से पहले जिरह कर चुके कपिल सिब्बल पेश हुए, न ही कोई और वकील। इसके बाद जजों ने अपील खारिज कर दी। उसके बाद सिब्बल ने जजों से अपील को बहाल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा 16 सितंबर को वह किसी अन्य कोर्ट में व्यस्त थे। उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कमल मोहन गुप्ता से कहा था कि वह जजों को इसकी सूचना दें और सुनवाई टालने के आग्रह करें। इस पर जजों ने कहा कि उस दिन किसी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। मामला सुनवाई की सूची में सबसे पहले रखा गया था। वह 11:30 बजे तक इंतजार करते रहे। न्यायालय का समय इस तरह बर्बाद करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिब्बल के दोबारा अनुरोध पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि बेंच अपना समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपए का हर्जाना लगाएगी। वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह इसे चुकाने को तैयार है। जज ने कहा कि यह आपको तय करना है कि यह रकम आप चुकाएंगे या दूसरे वकील। सिब्बल ने कहा कि वह इस मुकदमे को निःशुल्क लड़ रहे हैं, इसीलिए यह रकम उन्हें अपनी जेब से देनी होगी। इस पर जज ने कहा कि यह रकम विधिक सहायता कमेटी में दी जाएगी, वहाँ जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता ही दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।